हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग हम सुबह से स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको कुछ बना के दिखाने वाली हूँ। देखना मैं क्या बनाती हूँ, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आई थी। अब मैं जाऊँगी नीचे, उसके बाद सारे रूटीन के काम ख़त्म करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। देखना मैं क्या बनाती हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम बनाना वो रेसिपी। क्या बनाना है वो जानना है आपको? तो वो रेसिपी है ढोकड़ा। गुजराती में हम उसे ढोकड़ा कहते हैं, वही हम बनाएंगे। तो आप देखिए मैं कैसे ढोकड़ा बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढोकड़ा के लिए चाहिए होगा हमें बेसन 1 कप, उसके साथ चाहिए होगा सूजी 1/2 कप और 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और छाछ, पानी, और उसके साथ हमें चाहिए होगा इनो। आप कोई भी इनो ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसन को डालेंगे, उसके बाद सूजी, उसके बाद डालेंगे हम चीनी और हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी छाछ, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और सब मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ी और डालेंगे छाछ और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एकदम स्मूथ हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है इस तरह, और एकदम स्मूथ बनाना है। उसके बाद जब ये स्मूथ हो जाए तो उसे ढक के रख देंगे हम 1/2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम बनाएंगे ढोकले। तो अब हम इसे इस तरह से ढक के रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। आप चाहो तो 10-15 मिनट भी रख सकते हो, लेकिन 1/2 घंटे हम रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो मेरा बेटर अभी रेडी हो गया है 1/2 घंटे के बाद, और अब हम उसे चेक करेंगे। उसके बाद हम उसमें इनो और नींबू डालने के बाद उसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बेटर कैसा रेडी हुआ है। तो ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है। आप चाहो तो ज़्यादा देर तक भी रख सकते हो। तब अब हम इसमें डालेंगे इनो और लेमन। ये देखिए, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने छाछ इसमें डाली थी। और ये जो बीज है यहाँ पे गिरे, उसे हम निकाल देंगे। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हो, पर मैं ऐसे ही प्लेन बनाऊंगी। तो अब मैं इसमें डालूंगी इनो। ये हमने डाल दिया इसमें एक पूरा पैकेट इनो चाहिए होगा हमें, ये छोटा वाला। और अब हम इसमें अब इसको हिला लेंगे हम। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हिला लेंगे। रुको रिका, और ये देखो यहाँ पे तीर्था उठ चुकी है। क्या कर रही हो? दूध पी लिया? ओके चलो तो खड़ा बनाते हैं हम। ओके
ओके चलो पहले हम बना लेते हैं ये हमारा ढोकरा। ये देखो पूरी झाक झाक पूरा फूलने लगा है। अब इसे अच्छे से हिला लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें पानी डाला है और इस टाइप का जो आपके पास होता है इसे हमारे यहाँ काठा कहते हैं वो डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे। और जब तक पानी उबलता है तब तक एक थाली को इस तरह से तेल लगा देंगे, इस तरह से पूरा बस थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। और पानी उबले तो इस थाली को हम उस कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है तो अब इसमें हम रख देंगे इस थाली को, इस तरह से रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर, तो इस तरह से डाल दीजिए। और इसे ढक दीजिए डालने के बाद। उसके बाद कुछ वजन वाला इसमें ढक दीजिए और 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए धीमी आंच पे। तो अब हम चेक करेंगे। ये देखो इस तरह से हुआ है, एक चाकू की मदद से हम चेक करेंगे। इस तरह से डालेंगे और एक क्लीन आए तो हो गया। ये देखो थोड़ा थोड़ा इसमें आया है तो हम 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। जब तक हमारे बन रहे हैं ढोकले तब तक हम वघार के लिए तैयार करेंगे। वघार में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और धनिया। उसके साथ हम राई, जीरू और थोड़ी सी हींग डालेंगे। तो ये सब हम काट के रख देते हैं, उसके बाद हम वघार करेंगे। तो हमने ढोकले को गैस बंद कर दिया है और ये देखिए हमने निकाल लिया है, ऐसा दिख रहा है। ये हो गया है पर हम 5 मिनट के लिए रख कर ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए हो गए हमारे ढोकले और इसे इस तरह से हम कट लगा देंगे, इसे सारे ढोकले में लगा देंगे कट। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई। इसके साथ हम डाल देंगे जीरा और इसमें हींग और ये करी पत्ते और इसे हम मिला लेंगे। ये हमारा वघार तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे ढोकले। अब हम इसे हिला लेंगे अच्छे से। तो ये तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। तो रेडी है हमारे ढोकले। उड़ी गयू। यहाँ पे हमारी छत पे एक छोटी सी चिड़िया आई थी, वो नीचे गिर गई थी तो इसलिए हम ऊपर आए थे उसे उड़ाने के लिए और वो उड़ गई। तो आज का व्लॉग का एंड अभी करते हैं। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और हमारे इस हिंदी व्लॉग को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।